हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. गाइस, आज मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. ये है गुड वाइब्स ग्रीन टी ग्लो टोनर. ये टोनर इस प्लास्टिक पंप बॉटल में आता है. इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी कन्वीनियंट है, बिकॉज यहाँ पे हमें ये स्प्रे गिवन है, तो हम इसे डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं. हमें किसी भी कॉटन बॉल या कॉटन पैड की ज़रूरत नहीं है. बट मेक श्योर अवॉइड कॉन्टेक्ट विद योर आइज. नेक्स्ट जो है इस प्रोडक्ट पर इसकी बाकी प्रोडक्ट डिटेल गिवन है, लाइक यहाँ पे इसकी क्वांटिटी गिवन है. ये 200 ml प्रोडक्ट है. इसमें जो है एक 120 ml क्वांटिटी भी अवेलेबल है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इसकी प्राइसिंग है वो है 225 rupees, बट इस पर जो है डिस्काउंट्स चलते रहते हैं. तो इसका लिंक मैंने परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाके चेकआउट कर लीजिए. अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है. नेक्स्ट इसकी शेल्फ लाइफ है 2 years. और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, इट हैज़ लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बट इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी, बिकॉज ये एक ग्रीन टी टोनर है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ आर टोनर वर्क्स ऑन आर स्किन. तो जो टोनर का काम होता है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट एंड रिफ्रेश्ड रखना है. और टोनर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो ये होता है कि हमारी स्किन पर जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, टोनर उन्हें श्रिंक करता है. तो हमें टोनर जो है ऑलवेज अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज अगर हम टोनर अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी स्किन में जो पोर्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओपन पोर्स. एक टोनर का काम होता है उन ओपन पोर्स को श्रिंक करना, छोटा करना. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओपन पोर्स होते कैसे हैं. तो जब हम टोनर अप्लाई नहीं करते तो हमारी स्किन पर जो है एक्स्ट्रा सीबम प्रोड्यूस होता है, और एक्स्ट्रा सीबम जो है डर्ट और डस्ट को हमारी स्किन में और जल्दी अट्रैक्ट करता है, जिससे कि हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं. और जब वो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ब्लैक हेड्स में, देन ब्लैक हेड्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक्ने में, और इससे जो है हमारी स्किन में हो जाती है कई तरीके की प्रॉब्लम, बिकॉज पिंपल के बाद पिंपल का स्कार भी हो जाता है. तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी, डोंट मिस योर टोनर, डोंट स्किप योर टोनर, ऑलवेज अप्लाई टोनर ऑन योर स्किन. नेक्स्ट मैं आपको जो है टोनर के एडवांटेजेस के बारे में बताना चाहूँगी. तो एक टोनर का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज तो यही होता है कि वो हमारी स्किन पे से जो है पोर्स को श्रिंक करता है, ओपन पोर्स को श्रिंक करता है. नेक्स्ट हमारी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखता है, और साथ ही साथ हमारी स्किन की कई जो है प्रॉब्लम से फाइट करता है, लाइक पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स. तो आप जो है टोनर को मस्ट हैव, टोनर इज मस्ट हैव. नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी इस टोनर के बारे में कुछ पॉजिटिव थिंग्स जो कि इस टोनर पर मेंशन है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस टोनर इज़ फ्री फ्रॉम अल्कोहल. इस टोनर में अल्कोहल नहीं है. दिस टोनर इज़ आल्सो फ्री फ्रॉम पैराबिन सल्फेट्स, एंड दिस इज़ आल्सो क्रुएल्टी फ्री. अल्कोहल फ्री टोनर ही आपको ऑलवेज यूज़ करने चाहिए, बिकॉज अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर आर स्किन. आप ऑलवेज एक अल्कोहल फ्री टोनर ही यूज़ करें. अल्कोहल जो है स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है. एज इसमें जो है अल्कोहल भी नहीं है, पैराबिन्स भी नहीं है, सल्फेट्स भी नहीं है, तो दिस टोनर इज़ सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. बट फिर भी बिफोर यूजिंग एनी स्किन केयर प्रोडक्ट आपको एक पैच टेस्ट ज़रूर कंडक्ट करना चाहिए टू मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट जो है, कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं दे रहा. तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले भी एक पैच टेस्ट ज़रूर कंडक्ट करें. बाकी ये जो है एक काफ़ी अच्छा टोनर है, बिकॉज इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल, पैराबिन कुछ भी नहीं है. तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बट एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कंडक्ट करें. आपको टोनर जो है अपने फेस वॉश करने के बाद अप्लाई करना होता है. आप सुबह में और शाम में टोनर अप्लाई कर सकते हैं, और
मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी इस टोनर को आप एक बार जरूर यूज करें, बिकॉज दिस टोनर इज रियली वेरी गुड. अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आई गारंटीड ये आपके ओपन पोर्स को जो है श्रिंक करेगा. मैं भी इसे जो है आजकल यूज कर रही हूँ, मुझे ये काफी पसंद आ रहा है. ये टोनर जो है काफी वेरियंट में अवेलेबल है. इसका जो है मैंने नीम एंड तुलसी टोनर का रिव्यू ऑलरेडी शेयर कर रखा है अपने चैनल पर, तो आप अगर देखना चाहें तो उसे वीडियोज में जाके चेकआउट कर सकते हैं. वो भी एक काफ़ी अच्छा टोनर है. दिस टोनर इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, वी ऑल नो दैट, बट फॉर एक्ने प्रॉन स्किन ये जो है और ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी. और हम सबको पता है कि ग्रीन टी जो है अमेजिंगली वर्क करता है फॉर एक्ने एक्ने प्रॉन स्किन. तो अगर आपकी एक्ने प्रॉन स्किन है तो आप इसे तब तो आप एक बार डेफिनेटली इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें. आई होप आपको मेरा जो रिव्यू है वो पसंद आया होगा. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लविंग मी.